नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं रेनू वैद आपको शिक्षा मनोविज्ञान के आगे के टॉपिक्स को क्लियर करवाऊंगी। आप जानते ही हैं कि मैं अभी बीएड सेकेंड ईयर के टॉपिक्स को क्लियर करवाऊंगी। उसके बाद जब अगस्त में एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद जब फर्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे तो अपन फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बीएड सेकेंड ईयर के जो टॉपिक्स है शिक्षा मनोविज्ञान के, उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समेकित शिक्षा वाली जो बुक है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो बुक है, उसमें से जो फर्स्ट यूनिट है उसको पूरा कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट कहती है विकलांग बच्चों की पहचान, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे की जाए, भारत में विकलांगों की शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, ये सब इस यूनिट में देखने को मिलता है। इसमें हमने पहले भी कई टॉपिक्स क्लियर करे, व्यक्तिक भिन्नता पढ़ा, व्यक्तिक भिन्नता के बाद जो हमने पढ़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, समकालीन प्रवृत्तियां पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि भारत में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम किए गए जिससे समेकित शिक्षा को बढ़ावा मिला, समेकित शिक्षा क्या है, कैसे आई, ये सब हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान ने ऐसे कौन से प्रावधान किए जो कि विकलांगों की स्थिति में सुधार के लिए कारगर साबित किए गए, वो अपन देखते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है संवैधानिक प्रावधान, विकलांगों की शिक्षा के लिए, विकलांगों को समाज में समान दर्जा देने के लिए हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या संवैधानिक उपबंध है, ये सब हम देखेंगे। तो ध्यान रखना कि हमारा जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियम किया गया था, और इसी भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये सब चीजें जो डिटेल्स में है वो आगे के टॉपिक्स में अपन सब पढ़ेंगे। अभी आपको ये भी पता होगा कि भारतीय संविधान का जो भाग फर्स्ट है, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड, आप सब जानते हैं भाग फर्स्ट संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है, और भाग दो नागरिकता के बारे में बताता है, और भाग तीन बताता है मौलिक अधिकारों के बारे में। आप सबको ये भी बताना पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो थे 7। कितने थे? 7 थे। कई बच्चों की तो हालत ये है कि अगर उनसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पूछ लिया जाए वो भी नहीं कर सकते। हम एक आम नागरिक है और एक शिक्षक होने के नाते हमें अपने मौलिक अधिकार पता होना चाहिए, और क्लास में भी बच्चों को बताना चाहिए। तो आपको पता है मौलिक अधिकार संविधान में कितने हैं? 7। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ बच्चा? 44वां संविधान जो संशोधन हुआ, उस 44वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, और मूल संविधान के जो 7 थे वो अब मौलिक अधिकार कितने रह गए बच्चों? 6 रह गए। तो हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार, पांचवा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम सबसे पहले अधिकारों की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 14 से 18, तो हमारा जो अनुच्छेद 14 से 18 है वो देता है हमें समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार देता है बच्चों? समानता का अधिकार। इस समानता के अधिकार के तहत हमें ये पता चलता है कि हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को समाज में समान दर्जा दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, लिंग, जाति आदि के साथ भी नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई बच्चा विकलांग है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, तो इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादति नहीं की जा सकती, चाहे वो पारिवारिक परिवेश हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारा संवैधानिक उपबंध है।
और आप सबको ये भी पता होगा कि जो मौलिक अधिकार का छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहता है आपको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है कि अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि ना केवल समाज, ना केवल शैक्षिक जगत, बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी विकलांगों की दशा को देखते हुए उन्हें समाज में समान दर्जा देने का उपबंध हमारे संविधान में किया है। उसी के बाद हमारे एक अधिनियम आया 12 दिसंबर 1995 को। कौन सा अधिनियम आया बच्चों? विकलांग अधिनियम। ये अधिनियम आपको याद करना है, हो सके तो आप अपनी कॉपी में जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे नोट डाउन करते चाहिए। जब भी मैं वीडियो मेरा वीडियो देखो तो कॉपी और पेन दोनों साथ में रखे, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे वैसे वैसे लिखते जाओगे तो सारे टॉपिक्स आप क्लियर कर पाओगे। तो देखो आगे विकलांग अधिनियम। विकलांग अधिनियम आया 12 दिसंबर 1995 को। ये जो अधिनियम आया उसमें कहा गया, क्या कहा गया कि जो विकलांग अधिनियम है, इस विकलांग अधिनियम में कहा गया कि विकलांगों की स्थिति को सुधारने का दायित्व 3 निकायों को दिया गया। आपको ये भी पता होगा कि हमारा भारतीय संविधान 3 निकायों में विभक्त है। पहला केंद्र, दूसरा राज्य और तीसरा स्थानीय निकाय। है या नहीं है? है। 3 में विभक्त है। और विकलांग अधिनियम कहता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों का दायित्व है कि विकलांगों को समान अधिकार उपलब्ध करवाए। उनको क्या क्या उपलब्ध करवाए? विकलांगों की शिक्षा की व्यवस्था करेगी कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इसके अलावा ऐसा वातावरण रखना होगा ताकि विकलांगों को शिक्षा ग्रहण करने में, इस समाज में जीने के लिए किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो। इसके बाद आता है भेदभाव दूर करने की कार्यवाही। आप आज भी जानते हैं कि हमारे समाज में विकलांगों के प्रति नकारात्मक रवैया है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ कट जाता है तो उस पर नकारात्मक दृष्टिकोण ये अपनाया जाता है कि वो इस जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। बट ऐसा नहीं है। ईश्वर एक क्षमता खत्म करता है तो दूसरी क्षमता उससे डबल भेजता है। तो हर व्यक्ति में गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति विकलांग है तो वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमें समाज की मानसिकता को बदलना होगा और ये जिम्मा दिया केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों को। उसके बाद आता है सामाजिक सुरक्षा और विकास के अवसर। समाज में उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप जानते हो विकलांगों के लिए उपकरणों की व्यवस्था करना, विकलांगों को घर से स्कूल आने के लिए वातावरण की व्यवस्था करना। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के तहत आप लोगों को बताया विकलांगों के लिए अलग से छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ करना। ये सब जिम्मेदारी कौन निभाएगा? सरकार निभाएगी। तो ऐसा वातावरण पैदा करना ताकि उनको सामाजिक सुरक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध हो सके। तो ये सब सुविधाएं हमारे कौन से अधिनियम में कही गई है? विकलांग अधिनियम में ये सारी बात कही गई है कि आप विकलांगों की को सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, उनको पर्याप्त ऐसे साधन उपलब्ध करवाएंगे, उनका उनकी व्यवस्था का करने के लिए किस प्रकार नियोजन अपनाएंगे, ये सारी व्यवस्था केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार को करनी ही होगी। ये आता है आपके विकलांग अधिनियम में। तो अपन ने 2 टॉपिक पढ़ लिए कि विकलांगों की शिक्षा के लिए हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान है। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है, संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 जो कि समानता के अधिकार का उल्लेख करता है, और विकलांग अधिनियम जो कि 12 दिसंबर 1995 को आया। इस अधिनियम में कहा गया कि विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था करना, बाधा रहित वातावरण का निर्माण करना, क्लियर होगा आपने, भेदभाव दूर करने की कार्यवाही करना, सामाजिक सुरक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध करवाना, ये सब जो है
वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों की जिम्मेदारी होगी। बच्चों तो विकलांग अधिनियम कब आया? 12 दिसंबर 1995 को आया। कब आया बच्चों? 12 दिसंबर 1995 को आया। आप संविधान का अनुच्छेद कौन विकलांगों के लिए विशेष सुविधाओं का उल्लेख करता है? समानता का अधिकार, जिसमें कुछ निर्बंधन भी लगे हुए हैं। अब आते हैं बच्चों आगे कि ये जो संवैधानिक प्रावधान किए गए उससे पहले विश्व में विकलांगों की स्थिति कैसी थी। तो देखिए इसका इतिहास, क्या देखेंगे बच्चों? इतिहास कि विकलांगों की स्थिति को सुधारने के लिए हमारे समाज में कौन कौन से प्रयास किए गए, इसके लिए इतिहास। आप लोगों को पता होगा प्लेटो व अरस्तु जो महान राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, जिन्होंने राजनीति विज्ञान को व्यवस्थित किया, क्रमबद्ध किया। अरस्तु तो पहला राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहलाता है, लेकिन विकलांगों के बारे में इसका जो नजरिया था वो नकारात्मक था। क्यों? क्योंकि उस समय का समाज ही ऐसा था, उस समय का समाज विकलांगों के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण रखता था। तो प्लेटो और अरस्तु ने क्या कहा कि पूर्वजों द्वारा किए गए पापों का फल माना किसको? विकलांगों को। ईश्वर का अभिशाप माना किसको? विकलांगों को। के लिए कहा कि ये पूर्वजों द्वारा किए गए पापों का फल है। इसके बाद आप जानते हैं प्लेटो और अरस्तु के बाद में मध्यकाल में भी नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। और बात करें हमारे भारत में, तो भारत में भी इनको परजीवी माना जाता था, दूसरों पर निर्भर माना जाता था। लेकिन धीरे 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 परिस्थितियों में फर्क आया। स्वतंत्रता के बाद भारत में कई ऐसे विकलांग शिक्षा केंद्र, विशेष शिक्षा केंद्र खुले, जिन्होंने विकलांगों की शिक्षा पद्धति का प्रारंभ किया। और आपको पता भी होना चाहिए 1949 में, कब 1949 में भारत में ब्रेल लिपि आई। कौन सी लिपि आई थी? ब्रेल लिपि, जिसका आविष्कार कब हुआ था? 1929 में। तो ये जो ब्रेल लिपि आई, इस ब्रेल लिपि के आधार पर यहाँ पर बच्चों को शिक्षण करवाया गया और इन विकलांग व्यक्तियों ने दिखा दिया कि हम सामान्य बालकों की तरह सभी काम कर सकते हैं। इसी के बारे में हमारे इतिहास में जो कौन, शीला कौर ने कहा कि विकलांग क्या नहीं कर सकते, विकलांग क्या नहीं कर सकते अगर उन्हें, अगर समाज उन्हें उचित क्षमताएं व वातावरण उपलब्ध कराए तो वह बहुत कुछ कर सकते। ये किसने कहा? शीला कौर ने कहा कि अगर समाज उन्हें उचित क्षमताएं व वातावरण उपलब्ध करवाए तो विकलांग कुछ भी कर सकते हैं। तो समाज के रवैये में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा था। अब आप ये भी जानते होंगे, हेलन केयर का नाम सुना होगा। किसका? हेलन केयर। हेलन केयर, ये जो आपकी शीला कौर है, ये पूर्व कल्याण मंत्री थी। इस पूर्व कल्याण मंत्री शीला कौर ने कहा कि विकलांगों की स्थिति को सुधारना है तो उन्हें सकारात्मक माहौल देना होगा। अगर आपने उन्हें उचित क्षमताएं और वातावरण दिया तो वो समाज में कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हेलन केयर। हेलन केयर की अगर हम बात करें बच्चों, तो हेलन केयर ने कहा कि एक दरवाजा लिख लेना साथ में, बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, लेकिन हमने बंद दरवाजे को
को ज्यादा समय तक देखा, ज्यादा समय तक देखा तो खुले दरवाजे की संभावनाएं खत्म हो जाएगी, खत्म है वो जाएगी। समझ आया? प्लेटो और अरस्तु का लिख लिया आपने। प्लेटो और अरस्तु ने क्या कहा था? पूर्वजों द्वारा किए गए पापों का फल है। कौन है? कौन है? विकलांग है। कौन है? विकलांग है। शीला गौर ने क्या कहा कि अगर समाज में उचित क्षमताएं व वातावरण उपलब्ध करवाए तो वह बहुत कुछ कर सकते हैं। इसको कॉपी में लिख लेना, और जब भी विकलांगों के संवैधानिक प्रावधान और इसके इतिहास की बात कहे तो ये शीला कौर, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इसकी ये डेफिनेशन जरूर देना। दूसरी डेफिनेशन याद रखना हेलन केयर की। इसकी हेलन केयर की, हेलन केयर कहती है कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, लेकिन हमने बंद दरवाजे को ज्यादा समय तक देखा तो खुले दरवाजे की संभावनाएं क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये किसने कहा? हेलन केयर ने कहा। तो शीला कौर की मिटा दूं, आपने लिखी। शीला कौर क्या कहती है? उचित क्षमताएं और वातावरण दिया जाए तो विकलांग बहुत कुछ कर सकता है। ये हेलन केयर ने कहा कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। तो आप ये भी जानते होंगे कि अगर विकलांग कुछ करना चाहे तो विकलांग बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन विकलांगों को अपनी स्वयं की मानसिकता को भी बदलना होगा। अगर उसका एक हाथ कट जाता है तो वह दूसरे हाथ से लिख सकता है। अगर उसके दोनों हाथ कट जाते हैं तो वो कोहनी के बल से भी लिख सकता है। तो अगर एक चीज नहीं है तो दूसरा उसका विकल्प हो सकता है, वो आत्मनिर्भर बन सकता है। और इसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि 6 मार्च 1976 को इंदिरा गांधी ने जिला परिषद सम्मेलन बुलाया। 6 मार्च 1976 को क्या करा? 6 मार्च 1976 को क्या किया इंदिरा गांधी ने? किसने? इंदिरा गांधी ने 6 मार्च 1976 को इंदिरा गांधी ने एक जिला परिषद सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कहा गया कि विकलांग जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज उन्हें उचित वातावरण प्रदान करे, उनका जीवन, उनका वातावरण, उनकी समस्याएं, उन सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम विकास करेंगे तो विकलांग भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। ये किसने कहा था? इंदिरा गांधी ने। कब? 6 मार्च 1976 को इसका जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में उसने ये बात कही और ये घोषणा की गई कि अगर हमें देश को, समाज को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें विकलांगों की शिक्षा की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आता है आर के मिश्रा, नाम भी सुना होगा, आर के मिश्रा। इससे पहले 6 मार्च 1977 में लिखते जाए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का बता ही दिया मैंने, शॉर्ट नोट्स बना लिया। आर के मिश्रा ने कहा कि विकलांग व्यक्ति को विज्ञान की उपासना करनी चाहिए क्योंकि वही उसको धन धान्य से परिपूर्ण
देगी। तो आर के मिश्रा कहते हैं कि अब विकलांग व्यक्ति को विज्ञान की उपासना करना चाहिए, क्योंकि वही उसके धन धान्य से क्या करेगी, परिपूर्ण कर देगी और जीवन में वातावरण के साथ सामंजस्य सामंजस्य स्थापित कर लेता। यह आर के मिश्रा साहब ने ये बात कही। तो आपने देखा शीला कौर, हेलन केयर, इंदिरा गांधी और ये आर के मिश्रा, इन चार की डेफिनेशन अपने क्वेश्चन के आंसर में जरूर डाले, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसीलिए बोलती हूँ कि जब भी आप मेरी क्लास हो तो नोटबुक लेके साथ में रखें और इनको नोट डाउन करते जाएं, तो आपको जब भी आप बुक पढ़ेंगे या अदर रेफरेंसेस बुके पढ़ेंगे तो आपकी बेसिक चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर। तो आर के मिश्रा ने क्या कहा, विकलांग व्यक्ति को विकलांग विज्ञान की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वही उसको धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी, जीवन में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं कि आगे जो है विकलांगों की स्थिति या विकलांग ऐसे कौन कौन से हमारे समाज में एग्जाम्पल मिलते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि विकलांग व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को अरुणिमा सिन्हा का उदाहरण दिया था। अरुणिमा सिन्हा जिसने विकलांग होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ऐसे ही समाज में कुछ ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे वो देखते हैं। समाज के उदाहरणों की आपने बात करें तो दीर्घात्मा का नाम सुना होगा, एक ऋषि थे दीर्घात्मा, और इन्होंने ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं वो उनको कंठस्थ थी, और ऋग्वेद की ऋचाओं का निर्माण करने में दीर्घात्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दीर्घात्मा स्वर्णहीन होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऋग्वेद की ऋचाएं लिखी। इसके बाद आता है अष्टावक्र, जिनके शरीर पर 8 घाव थे, 8 घाव होने के बावजूद भी उन्होंने दिखा दिया कि विकलांग व्यक्ति बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि राजा जनक को शिक्षा अष्टावक्र ने ही दी थी। आप लोगों ने सूरदास का नाम भी सुना होगा, सूरदास जो हिंदी भक्ति काव्य के ज्ञाता माने जाते हैं। सूरदास अंधे थे फिर भी उन्होंने कृष्ण लीला का कितना सुंदर मनोरम दृष्टांत प्रस्तुत किया हमारे सामने, किया या नहीं किया, किया है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा मिल्टन का। मिल्टन के बाद अगर हम बात करें तो मिल्टन ने अपना एक ग्रंथ लिखा पेस्टालोजी, उन्होंने अंधे होने के बाद ही लिखा था। तो हमारे समाज में कई ऐसे एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे जो अंधे हैं, गहरे हैं, गूंगे हैं, अंग भंग है, मानसिक विकृति है, कुछ ऐसे लोग हैं, इतनी विकृतियां होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा करके दिखाया जिससे पता चलता है कि विकलांग व्यक्ति भी सामान्य बालक से कम नहीं होता है। इन एग्जाम्पलों से हमें ये पता चल जाता है कि समाज में विकलांग व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। तो इसके आगे जो हम देखेंगे, इन समाज के उदाहरणों के आधार पर हम देखेंगे कि किस प्रकार विकलांग व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले आपने उदाहरण देखा दीर्घात्मा का। किसका देखा? दीर्घात्मा का। दीर्घात्मा के बारे में आपने क्या देखा था कि दीर्घात्मा जन्म से क्या थे? अंधे थे। जन्म से कैसे थे? अंधे। फिर भी उन्होंने क्या लिख दिया? उन्होंने ऋग्वेद को लिखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा नाम आपने पढ़ा अष्टावक्र के शरीर पर क्या थे? घाव थे। क्या थे बच्चों? घाव थे। 8 जगह विकृति थी। कितनी जगह? 8 जगह विकृति थी उनके शरीर पर।
देह सौंदर्य को त्याग कर अपने ज्ञान के आधार पर साबित कर दिया कि वह विकलांग होने के बावजूद राजा जनक को शिक्षा देने वाले कौन थे? अष्टावक्र। तीसरा उदाहरण अपन ने देखा सूरदास का। सूरदास के बारे में आप सब जानते हैं, भक्ति संत हुए, जन्म से अंधे थे, सूर सागर लिखा ही होंगे, लिखा नहीं लिखा, कृष्ण लीला, कृष्ण लीला ये किसका ग्रंथ है? सूरदास जी का है या नहीं है? इसके बाद आपने देखा होगा मिल्टन का नाम सुना होगा। इसका नाम मिल्टन, अंधे होने के बावजूद उन्होंने एक महान ग्रंथ की रचना कर दी और इस महान ग्रंथ का नाम था पैराडाइज, पैराडाइज लास्ट। मिल्टन ने लिखा पैराडाइज लास्ट और इस पैराडाइज लास्ट को अंधे होने के बावजूद उन्होंने लिख दिया, तो इससे साबित हो जाता है कि विकलांग होना समाज से अलग होना नहीं है, वह बहुत कुछ कर सकता है। मिल्टन के अलावा आपने लुई ब्रेल का नाम सुन ही लिया। लुई ब्रेल जो स्वयं क्या थे? अंधे थे या नहीं थे? अब आपके उदाहरणों से पता चल गया कि विकलांग व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। तो इन पांच के एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में देने हैं, दीर्घात्मा का, अष्टावक्र का, सूरदास का, मिल्टन का और लुई ब्रेल का। अब आपने देखा इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स, आपने यूएनओ का नाम मैंने बताया भी था कल आपको, बताया था नहीं बताया था? बताया था, यूएनओ, यू एन ओ, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राष्ट्रों में शांति बनाने के लिए जिस संस्था की स्थापना हुई वही थी यूएनओ। यूएनओ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इस यूएनओ ने 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया। याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूएनओ ने 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित करने के पीछे उद्देश्य क्या था कि उसी समय विकलांग, नो विकलांग व्यक्तियों ने एवरेस्ट की एक साथ चढ़ाई की थी और एक ऊंची चोटी पर ये लोग पहुंचे थे, इसीलिए इस वर्ष को यूएनओ के द्वारा विकलांग वर्ष घोषित किया गया। आपने ये सब चीजें देखी कि किस तरीके से विकलांग व्यक्तियों ने हमारे समाज की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ही प्रयास किए हैं। तो ये सब समाज में उदाहरण है। इन समाज के उदाहरणों के द्वारा अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब ये है कि विकलांगता का आकलन करके ये पता करना कि उन्हें सामान्य स्कूल में भेजा जाए या विशेष स्कूल में उनको शिक्षा दिलाई जाए, ये कैसे हो, तो इसे हम ले हमें इसमें विकलांगता की पहचान करनी होगी। तो कल जो हम आपके सामने टॉपिक लाएंगे उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें यही पढ़ेंगे कि विकलांगता की पहचान कैसे की जाए और पहचान करने के बाद में विकलांगता के लिए समेकित शिक्षा के क्या क्या प्रावधान होने चाहिए। तो कल जो अपना टॉपिक चलेगा बच्चों वो चलेगा समेकित शिक्षा। क्या चलेगा? समेकित शिक्षा, मार्कर नहीं चलता, समय की शिक्षा वाला जो टॉपिक है वो आपके चलेगा। समय की शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आप सबको पता है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विभिन्नताएं रखता है, जो प्रभावशाली है और जो मंद बुद्धि है उनके बीच में गहरी खाई है। इस खाई को पाटने के लिए हमारे देश में जो शिक्षा आई उसी को बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समेकित शिक्षा। अब समय की शिक्षा है क्या? अभावग्रस्त असक्षमता से युक्त बालक को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाए उसे ही समेकित शिक्षा कहते हैं। तो कल आप पढ़े और इसको ध्यान से वीडियो को देखने के बावजूद आज आपको समय की शिक्षा के बारे में पढ़ना है और कल जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी समेकित शिक्षा।
समय की शिक्षा पढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, समय की शिक्षा की क्या आवश्यकताएं पड़ी, समय की शिक्षा के सामने आज समाज में क्या क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का हम समाधान कैसे कर सकते हैं। फिर अपन ये पढ़ेंगे कि विकलांगता का आकलन कैसे करते हैं, क्योंकि विकलांगता का आकलन करेंगे तभी तो समय की शिक्षा दे पाएंगे। तो समाधान में हम पढ़ेंगे कि विकलांगता की पहचान कैसे करें। तो जो अपना आगे के जो टॉपिक्स है समय की शिक्षा और फिर पढ़ेंगे अपन विकलांगता का आकलन, ठीक है। तो आज हम यही इसको समाप्त कर रहे हैं। तो कल जो अपना टॉपिक होगा वो होगा समेकित शिक्षा, ठीक है। अब आगे के टॉपिक्स को अपन पढ़ेंगे। आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूं, तो आज ही आप ये देखें कि विकलांगता के लिए हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, विकलांगता के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये देखेंगे। तो इसको देखने के साथ ही आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपको वीडियो बनाती रहूं, तो आप नव भारती ग्रुप को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट से, ज्यादा से ज्यादा लाइक से, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।